हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर, ठीक है, जिसका नाम है फन विथ फ्यूनेरिया। देखिए, थोड़ा सा इसको चैनल को थोड़ा सा आज मॉडिफाई किया गया है, ताकि जो जनरली क्योंकि जो पहले वाला था वो थोड़ा सा ऐसे अजीब सा लगा था, इसलिए मैंने इसको चेंज किया है। तो अब से अपने जो चैनल है उसका नाम है फन विथ फ्यूनेरिया, ओके, या अपने चैनल का नाम है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और देखिए, सब्सक्राइबर जो आपका है, सब्सक्राइब जो बटन है उसके पास में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, ठीक है, ऐसे कुछ बेल आइकन सा है उसे लिखेगा, तो उसको भी आप लोग दबा दीजिए, ताकि जो मेरी जो वीडियोज आए वो आप तक पहुंच सके, ठीक है, ओके। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है, जनरली लिविंग वर्ल्ड है जो, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ओके, तो करें, यस। देखिए भाई, अपन ने बात कर ली थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, नॉर्मली ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके बारे में, जो कि आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इसका डिफाइनिंग फीचर है, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिफाइनिंग फीचर है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में मेटाबोलिज्म होगा, ओके। मेटाबोलिज्म जो होता है वो जनरली इसका यूनिक कैरेक्टर होता है, क्या होता है इसका, यूनिक कैरेक्टर। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिक कैरेक्टर है वो क्या होते हैं आपके, मेटाबॉलिज्म होते हैं। देखिए भाई, अपन ने बात की थी कि भाई जो जो आपका रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस है, वो क्या होते हैं लाइफ फॉर्म के, क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक कैरेक्टर होते हैं, यानी इनके कैरेक्टर। इन्हीं से अपन बात कर सकते हैं कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं और नॉन लिविंग होंगे क्या होते हैं, जिसमें से जो ग्रोथ था और आपका रिप्रोडक्शन था, इसको अपन डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते, या जनरली इसके द्वारा अपन क्या नहीं कर सकते, लाइफ फॉर्म को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपन मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेटाबॉलिज्म क्या है, यूनिक कैरेक्टर है, ओके। इसके बाद दूसरा क्या होता है, सबसे पहले जानने की बात है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म। तो भाई देखिए, मेटाबॉलिज्म जो होता है, जितनी भी ऑल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्या, ऑल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, तो मेटाबॉलिज्म में क्या है, जितनी भी टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या कर रही है, किसी ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि जैसे मान लो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, लाइक अगर आप लोग क्या करते हो, आप लोग डाइजेशन की बात करो, किसकी बात करो, डाइजेशन की, ओके। तो डाइजेशन में आपको पता है कि कई सारी केमिकल रिएक्शन चलती है, लाइक जैसे कि एंजाइमेटिक रिएक्शन चलती है, क्या चलती है भाई, जैसे कि आपका स्टार्च है, ओके, आपका क्या है, स्टार्च है। अच्छा, स्टार्च किसमें कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होगा, यस, सभी लोगों को पता है किसमें कन्वर्ट होता है, माइटोज में कन्वर्ट होता है। किसके द्वारा कन्वर्ट होता है, कौन इसको कन्वर्ट करेगा माइटोज में, आपको सबको पता है, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, इसको माइटोज में कन्वर्ट करता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई जो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है, ये कहाँ प्रेजेंट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट होती है। लेकिन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगी, ये जनरली आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, क्योंकि अपन ने कहा है जितनी भी केमिकल रिएक्शन अगर किसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जनरली ऑर्गेनिज्म में क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, जनरली उन्हें अपन क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। और मेटाबॉलिज्म किसमें एग्जिस्ट करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये आपका था मेटाबॉलिज्म के बारे में।
ठीक है, लेकिन अभी कम आपका कंप्लीट नहीं हुआ है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और बात करेंगे अच्छे से। अभी तो अपन ने पढ़ा कि जितने भी टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है वो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। अच्छा कौन से टाइप की, देखिए वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये दो तरीके की रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर चलती है और ये दोनों ही मिलकर क्या बनाती है, मेटाबॉलिज्म का फॉर्मेशन करती है। देखिए केटा का मतलब, केटा का मतलब टूटना, यानी कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट टूटते हैं, ब्रेकडाउन, जनरली प्रोडक्ट टूटेंगे, ओके, तो इसमें कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, प्रोडक्ट टूटते हैं। रेस्पिरेशन आपकी कौन सी रिएक्शन है, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है बताइए भाई, रेस्पिरेशन में क्या होगा, आपको पता है कि भाई रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होगी क्या निकलेगी बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, आपको सबको पता है। तो भाई कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होता है प्रोडक्ट का, और साथ में क्या होता है, एनाबॉलिज्म जो है, एनाबॉलिज्म रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट होते हैं आपस में आके जुड़े, वो क्या होंगे, एड होंगे। देखो भाई एड, एना, ए फॉर एडिशन, मतलब ये क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट जुड़ के प्रोडक्ट बनाते हैं, और कैटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, इसमें ब्रेकडाउन होता है, क्या होता है, ब्रेकडाउन में होता है, ओके। तो भाई ये आपको समझ में आया, अच्छा अब चलते हैं आगे थोड़ा। देखो जो मेटाबॉलिज्म है, ओके, क्या है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये जनरली आपकी जो टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं, जब मेटाबॉलिक रिएक्शन को कहाँ करवाएंगे, टेस्ट ट्यूब में करवाएंगे, तो ये ना तो क्या होती है, ये ना तो नॉन लिविंग होगी और ना ही ये लिविंग होगी। तो इसको अपन कह सकते हैं कि भाई जो आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो क्या है, मेटाबॉलिज्म है, वो क्या है, वो एक तरीके से इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर होता है, क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। अगर अपन जैसे मान लो एनसीईआरटी की लाइन देखें, ठीक है, अपन देखते हैं एक बार एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए भाई इसमें ये बताया हुआ है कि जो भी कंप्लीट जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब क्या होते हैं, केमिकल से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, केमिकल से। भाई देखो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, जब भी आप इस चैप्टर को, इससे मतलब इस चैप्टर पे नहीं, जितने भी चैप्टर हैं, जब भी आप इनको पढ़ोगे तो एनसीईआरटी साथ में लेके बैठना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी नीट के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, सब के सब एनसीईआरटी से बनते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कम से कम 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट किससे पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से, ठीक है। मेरा बेस आपका नीट बेस भी, प्लस क्या है आपको 11th का जो चैप्टर है वो समझाना भी है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग जब भी मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ आप लोग क्या करोगे, आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठोगे साथ में, ठीक है, ओके। तो अपन क्या बोलते हैं कि जितने भी फंगस है, लाइक फंगस, बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, इन सब में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अपन ने कह दिया कि मेटाबॉलिज्म क्या है, यूनिक कैरेक्टर होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है, और जनरली इसमें कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शन है जो ऑर्गेनिज्म में होती है उससे अपन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या है, ब्रेकडाउन, एनाबॉलिज्म एडिशन, ठीक है। और जनरली जो अगर किसी ट्यूब में अपन क्या करवा रहे, किसी टेस्ट ट्यूब में अपन कई केमिकल रिएक्शन करवा रहे, तो उसे अपन ना तो अपन बायोलॉजिकल कहेंगे और ना ही ना तो उसे अपन लिविंग कहेंगे और ना ही उसे अपन नॉन लिविंग कहेंगे, ठीक है। इसके साथ अपन बात करते हैं कि जो इसी के कारण अपन क्या कह सकते हैं कि भाई जो बिना किसी डिबेट के ये जो आपका क्या होता है, जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो इसका यूनिक फीचर होता है, आपका फंगस में भी प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। तो ये आपका मेटाबॉलिज्म कंप्लीट है। देखिए जो भी आपके डाउट हो, ठीक है, जो भी आपके डाउट है वो आप लोग जनरली जो मैसेज बॉक्स है उसमें आप जाके पूछ सकते हैं, और साथ में
मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 8504928936, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इससे भी जुड़कर व्हाट्सएप पे भी आप लोग अपना क्या कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, जनरली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो टेलीग्राम लिंक है वो भी दूंगा, तो टेलीग्राम के साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं, और इस टेलीग्राम में आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड होगी। अगर आप लोग ये ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका 11th और 12th, जो बच्चे 12th में उनका 12th का, और जो बच्चे 11th में उनका 11th का कोर्स अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, कॉन्शियसनेस की। इसकी कॉन्शियसनेस, अब देखो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फास्टली चलेंगे अपन, कारण है क्योंकि ये नॉर्मल बातें, बेसिक बातें, तो इसमें ज़्यादा डिग्री नहीं जाना अपन को। देखो कॉन्शियसनेस क्या होता है, सभी को पता है कॉन्शियसनेस क्या होता है। जनरली अगर अपन बात करें कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट है उसके प्रति क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। कोई भी अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा, ठीक है, टीचर थप्पड़ मारते हैं, ठीक है, थप्पड़ मारा आपको क्या होगा, आपकी आई से क्या होगा, आपकी आई से क्या होगा, यस ग्रो बैग, ठीक है, ग्रो भी आप भी, क्या हुआ, रिस्पॉन्स दिया ना, पेन हुआ आपको, ठीक है। इसी के साथ जनरली बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में, अब देखो बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में कैसे रिस्पॉन्स करोगे, कोई इंसेक्ट्स है, कोई इंसेक्ट्स क्या करता है आपको, किसी इंसेक्ट्स ने आपको बाइट कर लिया, ठीक है, हनी बीज है, तो आपको क्या होगा, पेन होगा। साथ में अगर बायोलॉजिकल हिसाब से अपन देखते हैं तो जितने जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस के प्रति अपन में क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, बॉडी रेस्पॉन्स करती है, और इसके साथ जो एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर के रूप में लाइट, फोटोपीरियडिज्म, ठीक है, जो फोटोपीरियडिज्म है वो अपने क्या करता है, जो रिप्रोडक्टिव कुछ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको, उनके जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसको भी क्या करता है, वो अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली जो सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है, किसी में कम होती है किसी में ज़्यादा होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि प्लांट है, अब आपको पूछा जाए कि प्लांट में कॉन्शियसनेस है, आपको क्या होगा कि ये सर ये क्या बात हुई भाई, प्लांट में सेंस मतलब ही नहीं, क्योंकि सर अगर सेंस होते हैं तो हर चीज़ को फील कर पाते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, प्लांट में भी क्या होता है, सेंस होता है। अच्छा आप एक बात बताओ, क्या प्लांट है